आज हम दोस्तों एंजल ब्रोकिंग के डीमैट अकाउंट फ्री में हम खोल के दिखाएंगे आपको संपूर्ण जानकारी आपको जो 5 मिनट के अंदर देने वाले हैं, जो आपका कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, कोई भी जो आपको इसमें चार्ज भरना ही पड़ेगा, बिल्कुल फ्री में आप डीमैट अकाउंट एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। शेयर मार्केट या जो स्टॉक मार्केट जो भी जो आप करना चाहते हो उसमें आपके डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट की एक ज़रूरत पड़ती है, तो वही चीज़ मैं आपके सामने आप पेश करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप यदि देखते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको जो एक अच्छा सा डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाएगा और आराम से आपको घर बैठे बैठे आपको कोई भी प्रॉब्लम के बिना भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ट्रेडिंग करने के लिए आपको जो एक अच्छा सा एक नॉलेज की भी ज़रूरत होती है, तो उसके लिए मैंने आपको टेलीग्राम बना रखा है, उस ग्रुप में जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो एक करेक्ट जानकारी होती है, ठीक है। तो जो आप उसके ग्रुप की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखी, तो आप उसमें जाके ज्वाइन हो जाना, ले लेना। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कैसे हम इसमें अपना स्टार्टिंग कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं कैसे, क्या प्रोसेस रहेगा, फ्री में हम डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, वो चीज़ मैं आपको पेश करने वाला हूँ। सबसे पहले भाई ये जो आपको ट्रेडिंग अकाउंट डेमो अकाउंट ये जो ये आपके खोलने के लिए डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। तो डॉक्यूमेंट इसमें कौन कौन से लगेंगे पहले ये चीज़ आपको बता देता हूँ। पैन कार्ड लगेगा अपना, आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, यदि आपके जो OTP आते हैं वही OTP आपके मोबाइल नंबर पे आना अनिवार्य है। यदि आपके ऐसे नहीं आता है, यदि मैसेज नहीं आ रहा है तो ये देख लें कि आपके जो कोई रिचार्जिंग तो प्लान ख़त्म नहीं हो रहा है आपका सिम का, जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। और यदि आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है सिम, तो अपना जो भी नज़दीक सेंटर है आधार सेंटर उसमें जाके ये जो करवा दें, जिससे जो आपका आने में प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि आधार कार्ड में जब तक जो आपका लिंक नहीं होगा मोबाइल नंबर तब तक आप इस जो डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कर पाओगे। जितना जल्दी हो सके आप जो उसमें जाके करवा सकते हो। और यदि जो हाँ आपके आता है जो आपके अकाउंट पे है OTP आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब हम आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, बैंक अकाउंट नंबर मांगा जाएगा, ये तीन चीज़ मांगी जाती हैं जो आपको डॉक्यूमेंट अकाउंट ओपन करने के लिए। अब ये तीन चीज़ आपके कंप्लीट है तो आप डायरेक्ट जो मेन स्टेप पे चले जाते हैं, और जिसमें स्टार्टिंग से आपको स्टेप बताता हूँ कि आपको इसमें एंजल ब्रोकिंग में कैसे आपका जो डीमैट अकाउंट ओपन होता है, ठीक है। चलो मैं आपको ले चलता हूँ एक करेक्ट जानकारी के बाद में स्टेबिलिटी बताता हूँ। सबसे पहले वीडियो के नीचे आपको डिस्कॉक्स दिखेगा, इस वीडियो पे क्लिक करना है, इसके बाद लिंक आएगी आपको डिस्कॉक्स में, मैंने लिंक दे रखी है उस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप डायरेक्ट ओपन हो जाएगी जो इसकी एक वेबसाइट है वो आपको ओपन होगी। उसके बाद में सबसे पहले आपका नाम पूछा जाएगा, यानी आपके जो इसमें पूरा नाम डालना, जो भी आपका नाम है, जैसे मेरा नाम देवेंद्र सिंह है तो आपको पूरा नाम डालना है। इसके बाद में जो भी आपके मोबाइल नंबर वो डालना है, सिटी डाल दिए और एक OTP आएगा वो डालना है, मोबाइल नंबर पे OTP आएगा वो डालना है। इसके बाद एक नीचे जो बॉक्स बना होगा इसमें जो IM एग्री है जो इस पर क्लिक करके आप ओपन एंड अकाउंट पे क्लिक कर देना। सिंपल ये होने के बाद आपको यहाँ पर DOB या आपकी जन्म तारीख डालनी है, पैन कार्ड नंबर डालना है और आपकी ईमेल ID डालनी है। ये चीज होने के बाद जो आपको बहुत सा जो ऐसा वाइट पेज दिख रहा है ना, ये जो गोला सा बना रहा हूँ मैं आपको, इस पर आपको क्लिक करना है। सिंपली यहाँ पर क्लिक करोगे तो जो इसमें आपका बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड मांगे जाएंगे दोनों आपको यहाँ पे डाल देने हैं। इसके बाद में डालने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। और जी हाँ, एक बार फिर से जो बता दूँ, ये जो एक फ्री है, बिल्कुल फ्री है, कोई भी आपका चार्जेज नहीं है, कोई भी ऐसा फीस नहीं है, ठीक है। तो आप प्रोसीड पे क्लिक कर देना। अब प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करोगे आप तो ये चीज़ आपको ऊपर दिखेगी, जो इसमें और भी कुछ चीज़ें आएगी वो आपको बताता हूँ अभी। सबसे पहले इसमें जो आपको जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ जाना है आपको। इसमें आपको जो सिलेक्ट कर रहा हूँ वही चीज़ आपको सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले आपको जो इंटरनेट अकाउंट का ओपन कर देना, उसके बाद में जो एंटर अकाउंट दोनों पे जो ओपन करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना। इसके बाद सबसे पहला जो अपना आधार कार्ड पैन कार्ड ही मैंने बताई थी आपको पहले ही, ये चीज़ आपको डालनी है। तो पैन कार्ड का फोटो खींच कर रखा आपने, वो आपको फोटो क्लिक करना है इसमें और इसमें अपलोड कर देना। जो आपका पैन कार्ड है उसका फोटो लेना है, एक फ़ोटो लेने के बाद उस पर क्लिक करके अपलोड करना है। इसके बाद जो अपना आधार कार्ड है वो आपको आधार कार्ड डालना है। इसके बाद आपका जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर का भी एक जो वाइट पेपर लेके उसमें सिग्नेचर करके फ़ोटो खींच के इसमें अपलोड करना है। ये नॉर्मल बेसिक चीज़ें आप इसमें डाल सकते हो, जहाँ पे पहले जो आपको पैन कार्ड में जो फ़ोटो है वो आपको फ़ोटो डालना होगा। इसके बाद जो अपना सिग्नेचर है, सिग्नेचर का डालना होगा। ये जो फाइल में है तो फाइल में डालना, डायरेक्ट आप फोटो खींच रहे हो तो खींच देना, ठीक है, दोनों ऑप्शन है इसमें। ये सब कंप्लीट होने के बाद आपको आधार कार्ड डालना है, आधार कार्ड का जो एड्रेस प्रूफ पे आप आधार कार्ड डाल सकते हो जिसमें एड्रेस आपका पूरा दे रखा है, ठीक है। ओके भाई, ये जो आधार कार्ड का ध्यान रखिए, ये जो आधार कार्ड के फ्रंट और बैक दोनों के फोटो आपको पहले ये जो खींच कर रखना है, फिर ये जो अपलोड पे क्लिक करके अपलोड कर देना, ठीक है। सिंपली मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, उसके बाद मैं आपको जो नेक्स्ट स्टेप पर चलाता हूँ।
ठीक है, क्योंकि जो जल्दी जल्दी रहेगा तो आपके साथ ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने जो पहले से जो फ़ोटो ले रखी है तो क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ। दोनों के मैंने आपको बोला कि फ्रंट और बैक दोनों के ले लिए मैंने। इसके बाद एक दोस्त ये ध्यान रखेंगे, जो अपना फोटो है ना, जो एक करेक्ट जो हो सका है, ये जो आप सेल्फी ले लेना जिससे आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सेल्फी आप अपलोड पे क्लिक करके सेल्फी ले लेना। इसके बाद बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट कब मांगा जाता है आपको बता देता हूँ। कम्युनिटी जो आपकी कम्युनिटी करेंसी हो जाती है, यदि आप उसमें जो आप ज़्यादा करना चाहते हो उसमें, तो आप वो अकाउंट ओपन करने के लिए इसमें आप ये कर सकते हो, अपलोड करते अपना स्टेटमेंट अपलोड करना होता है। उसके बाद में नीचे चेक मार्क पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना होगा। एक चीज़ और बता दूँ मेरे भाई, बैंक स्टेटमेंट इसमें जो ज़रूरी नहीं है, आप फ्यूचर में कभी भी ये जो निवेश करना चाहते हो इसमें कम्युनिटी जो करेंसी है इसमें, तब आप उसमें डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अकाउंट बनने के बाद भी आप इसमें अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अब हम सिंपली जो यहाँ पे चेक मार्क दे रखा है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप जो प्रोसीड दे रखा है इस पर आपको क्लिक करने के, सिंपली ये क्लिक हो जाने के बाद आपको जो बेसिक डिटेल पूछी जाएगी, जो पर्सनल डिटेल रहेगी इसमें, जो मेल, जेंडर, आपकी मैरिड स्टेटस, कितनी इनकम है, ये चीज़ें बेसिक पूछी जाएगी, और अपने फादर नाम या लास्ट नाम, एड्रेस, ये चीज़ें बेसिक है। मैं आपको जल्दी जल्दी भर रही हुई है और जल्दी नेक्स्ट कर देता हूँ, क्योंकि आपका टाइम वेस्टेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आप प्रोसीड पे जैसे क्लिक करोगे, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पे चले आओगे, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको कहा कि आपका आधार कार्ड जो ई वेरिफिकेशन होता है ना, वो एक ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पे आपका आपको आधार कार्ड नंबर डालना है और ऊपर जो चेक मार्क देर का इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ओटीपी जाएगा मोबाइल नंबर पे, जो आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है इस पे आपको ओटीपी आएगा। जैसे ओटीपी आने के बाद आपको यहाँ पे ओटीपी डाल के वेरीफाई ओके करना है, ठीक है। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करोगे जैसे ही, तो ये जो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। ये जो वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है जो बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो आप यहाँ तक होने के बाद स्टार्ट, ये जो आप इस पर क्लिक कर देना। देखो इसमें जो ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, नॉर्मल बेसिक चीज़ ये भी बोल सकती हूँ कि मेरा जो डेमो अकाउंट चाहिए या जो मुझे डेमो अकाउंट बनाना है। ये जो एक पर्सनल वेरिफिकेशन होता है, इसमें अपने कैमरे को ऑन करना होता है, यहाँ पे परमिशन देनी होती है, और यदि प्रॉब्लम हो तो डेस्कटॉप पे कर देना, ठीक है। क्योंकि जो मेरे भी प्रॉब्लम हुई थी कई बार, तो मैंने डेस्कटॉप पे कर दिया। इसके बाद आप यहाँ पे जो स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर सकते हो, या जो कैमरे के परमिशन पे अलाउ करके ये स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आप अलाउ करोगे यहाँ पे, तो ये नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा और आपका जो एक कैमरा ऑन होगा। इसमें आपको ये बताना है कि जो मेरा डेमो अकाउंट खोलना है, और यदि नहीं भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो ये एक वेरिफिकेशन का होता है। ये जो हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, प्रोसीड ओके करने के बाद आपको यहाँ पर बताया जाएगा कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको बता रहा हूँ। इस पर सिंपली है, जो आपका अकाउंट तो एप्लीकेशन है जो सबमिट हो चुका है, वेरिफिकेशन सब हो चुका है, सब कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। अब ये जो आपके मोबाइल नंबर है ना, जो आपके मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी जो आपने डाली थी, उन दोनों पे आपका एक रजिस्टर्ड पासवर्ड और ईमेल जो यूज़र आईडी, दोनों आपके मेल के थ्रू बताया जाएगा, और आप मोबाइल नंबर के थ्रू भी आपको मैसेज कर दिया जाएगा, ठीक है। ये जो ऑलमोस्ट आपका ट्रेडिंग अकाउंट डेमो अकाउंट ओपन हो चुका है, ऐसे आपको ओपन करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जल्दी से जाइए कंप्लीट कीजिए स्टेप है। सारी स्टेप जो कंप्लीट करने के बाद आप डायरेक्ट ये चीज़ बना सकते हो, खुद के जो आप दम पे बना सकते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जल्दी जाइए। अभी जो ऑफर भी चल रहा है, जो एक साल तक आप फ्री में डेमो अकाउंट अपना ट्रेडिंग कर सकते हो, कोई भी चार्ज बिना शुल्क के, तो लिंक डिस्क्रिप्शन देर के जल्दी जाइए डाउनलोड कीजिए और जो ट्रेडिंग करना स्टार्ट कीजिए। और भी ट्रेडिंग करने के लिए आपको ग्रुप की लिंक मैंने दे दी है टेलीग्राम की, उसमें आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। दूसरी चीज़ इसके बारे में और भी चैनल पे मिलती रहेगी, चैनल को लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया मैंने, उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया। दोनों को जाके सपोर्ट करें, और उसमें जो भी जानकारी बता रहे हैं उसे फॉलो करें, ठीक है।